तुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है उस साई के बारे में, अप्पा के खंजर के बारे में, और इस पूरे गांव में हर घर में क्या क्या कीमती सामान है, ये सब जानना है। दोस्ती का तोहफा तुम्हारे लिए। तेरा निशान इतना अच्छा कैसे है? हमारे जो इष्ट देव है ना, सब उनका आशीर्वाद है। वो बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली तो मेरे पिताजी है, मुखिया है इस गांव के। कुलकर्णी सरकार, तुम उनके बेटे हो? अरे वाह, वैसे मेरी बुआ जी उनकी भी मदद कर रही हैं। मेरे पिताजी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है। मुझे अपने पिताजी के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, तो तुम सब जानते हो उनके बारे में? मुझे नहीं तो किसे पता होगा? तो क्या तुम कुलकर्णी सरकार और साई के बारे में भी जानते हो? हाँ। क्या क्या जानते हो? तुम कैसे बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हो? मुझे मालूम है, मेरे पिताजी साई को शिरडी से बाहर करना चाहते हैं। ए, हमारे लिए फल तोड़ने आए हो या साई के बारे में पूछताछ करने? तुझे साई से क्या मतलब? इससे बात मत करो, ये लोग अच्छे नहीं है, मैं समझ गई हूँ। श्राप, जानती है क्या होते हैं? अगर दे दिया ना तो मरने के बाद सीधा नर्क जाएगी नर्क। मुझसे उलझना मत, ये सब मेरे दोस्त हैं, और हम सब लड़के हैं, और तू अकेली लड़की, चल जाए यहाँ से। ये बुरे लोग हैं, इनकी बातों में मत आना। तेरा 14, 15, 16, 17। लक्ष्मी, तुम्हें इतनी गिनती आ गई? बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं गिनती भूल जाऊंगी। और ये 25। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो लक्ष्मी। ये नर्क क्या होता है? नर्क? तुम्हें नर्क के बारे में किसने बताया? क्यों पूछ रही हो? वो फोन थ्रू है ना, वो बोला जब मैं मरूंगी वो मुझे नर्क में भेज देगा। ऐसा बोला उसने? हाँ। लक्ष्मी, जब हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं, अच्छाई से दूर हो जाते हैं, तब हम नरक की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ साथ चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं।
आ गए आप। ए साई, यहाँ इस खंडहर में रहते हो और खुद को चमत्कारी समझते हो? मैंने तो कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। हाँ हाँ, चमत्कारी नहीं कहा, लेकिन लोगों को बुद्ध बनाने के लिए तो चमत्कार ही तो दिखाते हो। वैसे तुम जैसों की मानसिकता मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों के जैसे रहना और लोगों से माल ऐड कर छुपा के रखना ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये खंडर ही नहीं पूरा शिरडी मेरा घर है। और मैंने आपसे कहा था ना कि सारे शिरडी वासी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन अब शिरडी पर से तेरा नियंत्रण खत्म होने जा रहा है। शिरडी को उनकी बुआ जी मिल गई है। बुआ जी? बुआ जी जो झूठ बोलकर लोगों से सोना हथिया लेती है। अच्छा, और जो सोना तूने हथिया लिया वो? रानू जी का परिवार आया था हमसे मदद मांगने के लिए। सच सच बता, वो सोना कहाँ छुपाया तूने? जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकता है, मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। द्वारका माई में सबका स्वागत है। ये कैसा यंत्र है और इससे क्या होगा? ये वो यंत्र है जो साई के छुपाए हुए सोने को ढूंढ निकालेगा। इस दिशा की ओर दिखा रहा है ये यंत्र, चलो। यहाँ इस जमीन के नीचे गाड़ा है सोना। अरे, अब ये सुई तो उस दिशा की ओर दिखा रही है। यहाँ मिलेगा जमीन के अंदर वो सोना। ये क्या हो रहा है बुआ जी? चलो, सुई वहां दिखा रहा है। वो इसकी सुई तो रुकी नहीं रही है। क्या हुआ, अभी तक समझे नहीं मूर्खो? जहां जहां साई के चरणों की धूल तहां तहां सोना। चुप चमचे, तू जैसे मदारियों और जमोरिये का खेल मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। बोल बोल, कहां रखा है सोना? बोल। वहां वहां उस टोकरी में देखा। जाओ देखो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.